पब्लिक टीवी आपकी आवाज। माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ समिति द्वारा आयोजित माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ और भजन संध्या में प्रातः सत्र में श्री महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य यजमान महेश बंसल और मधु बंसल संयुक्त रूप से रहे। महामृत्युंजय यज्ञ श्री परिवार प्रधान यज्ञ संचालक पंडित कृष्णा स्वामी जी, आचार्य कामेश मिश्र, पंडित तेज नारायण मिश्र, पंडित यश पांडे, पंडित विशेष शुक्ला, पंडित उमाशंकर द्वारा कराया गया। तो वहीं सायंकालीन सत्र में भजन संध्या सुर सम्राट गोपी किशन के द्वारा सुंदर भजन गणपति विघ्न करो सब दूर करो देवा ओ देवा जैसे सुंदर भजनों का गायन किया गया और सुंदर भजनों की प्रस्तुति से मनमोहक भजनों को सुन पूरा वातावरण भक्ति में हो गया। मधुर भजन सुनकर वहां उपस्थित सभी श्रोता झूम उठे। इसके उपरांत फूलों की होली खेली गई। पंडित कृष्णा स्वामी जी ने कहा कि माँ शब्द में संपूर्ण सृष्टि समाहित होती है, जगत की जीवनदायिनी माँ है और माँ से बढ़कर इस जगत में कोई पूजनीय नहीं है। माँ शब्द की उत्पत्ति भी गौ से हुई है। जब गाय का बछड़ा जन्म लेता है तो प्रथम शब्द का उच्चारण माँ का ही होता है। हिडिंबा वन स्थान था जहां पर विश्वामित्र ने तप किया है, घोर तप किया है। महादेव एक अंश में वहां रहते हैं। भगवान शिवजी भीख मांगने पहुंच गए कमंडल लेके, वो खुद ही पुताई कर रही थी जमीन का, उसने पोतरा लिया वही डाल दिया कमंडल में, ले सुबह सुबह चलाया दान लेने के लिए और कोई काम नहीं है। और अपने सारे धन को मिट्टी खोद खोद करके सोना चांदी सब दबा रखा और दूध पीती थी इसलिए तगड़ी भी थी। 3 दिन तक सड़ा शरीर और उसके घर वाले आए क्योंकि उसने इतना झगड़ा किया कि परिवार छोड़ के भाग गया, कोई नहीं रहता था, अकेली रहती थी, भैंस रहते थे, एक आध नौकर थे, वो भी डांट खा के भाग गए। अर्थी पर जब रखी गई तो उधर जाके उसने देखा कि मैंने तो कुछ दान ही नहीं किया, मैंने तो कुछ दिया ही नहीं, लेकिन सबके पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो घर है लेकिन खाने को कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने और आत्माओं से कहा कि बताओ भाई है, तुम्हारे लिए तो बहुत कुछ है, मेरे लिए खपड़े इसका मैं क्या करूं, खाने को चाहिए। तो बोले भाई भगवान शंकर जी अभी गुजरेंगे, उनसे पकड़ लेना, उन्हीं से पूछना क्या चक्कर है। महादेव जा रहे थे, बुढ़िया ने पकड़ा पैर और बोली कि हे प्रभु मैंने क्या गलती किया है। बोले तूने ये गलती है कि ये कि तूने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया, तूने अपने लिए सोचा, अपने परिवार के लिए नहीं सोचा, अपने धर्म के लिए नहीं सोचा। और क्या हुआ कि उसने कहा कि मेरे को कुछ समय ऐसा दे दो कि मैं दान पुण्य करके आऊं, दान करके आऊं। महादेव ने कहा जा, मैं तेरे को 11 दिन का समय देता हूं, जितना भी दान पुण्य कर लेगी वही तेरे को मिलेगा। पब्लिक टीवी
आपकी आवाज।